एक बार दो सन्यासी शाम के वक्त आश्रम वापस लौट रहे थे, तो शहर और आश्रम के बीच में एक नदी थी। कहानी को ध्यान से सुनना, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो जब दोनों नदी में पहुंचे तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। नदी की धारा तेज थी, तो उस स्त्री ने उन दोनों सन्यासियों से कहा कि हमको भी नदी पार करा दीजिए। तो उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक जवान था। तो बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा तो मदद कर दूं, फिर कहा नहीं, मैं स्त्री को छू लूं तो कहीं मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। स्त्री खतरनाक तो है ही, तो उसने सोचा कहीं मैं स्त्री को छू लूं तो मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, 30 साल से साधना कर रहे हैं, ये बवाल नहीं करना है। पानी में एंटर कर गए। जब वो बीच नदी में पहुंचा तो उसने सोचा कि यार मेरे साथ एक लड़का भी है, यंग आदमी। तो पलट के उसने देखा तो जो यंग सन्यासी था उसने स्त्री को अपने कंधे में बिठा रखा था। अब बाबा जी को तो आग लग गई शरीर। उसने स्त्री को वहीं उतार दिया नदी के किनारे। दोनों फिर आश्रम की तरफ बढ़े। तो जब आश्रम के दरवाजे में पहुंचे तो उस बुजुर्ग सन्यासी ने उस यंग सन्यासी से कहा कि गुरुजी से शिकायत करूंगा, आज तुमको निकलवा दूंगा आश्रम से। ने कहा क्यों? कहा तुमने एक लड़की को अपने कंधे बिठाया है। अरे उसने कहा गुरुजी मैं तो नदी के किनारे उतारा, आप तो अभी भी बैठाए हो। गुरुजी मैं तो उतार आया, अब तो है ही नहीं मेरे मन में। धर्म अगर दुनिया में 100 लोग होंगे ना आज की डेट में, तो सिर्फ 2 लोग समझते होंगे कि धर्म का मतलब क्या है। बस सिर्फ 2 लोग। इसीलिए जब कोई वास्तविक धर्म की बात करता है तो बाकी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। तुम देखो जितने संत हुए, महापुरुष हुए, इनको बहुत लोगों ने मारा। अरे तुम हजरत मोहम्मद को देखो, ताइफ में कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है, तुम बस सोच के देखो, कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है और कह रहा भैया शांति से रहो, भाईचारे से रहो, उसको मारोगे? मत सुनो उसकी बात। लेकिन लोगों ने मारा, इस पे ध्यान दो। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं। उनको लोग पागल भी तो मान सकते थे, लेकिन कोई बात रही होगी तब लोगों ने मारा। अगर लोग मार रहे हैं इस, तुम बस इमेजिन करो तुम्हारे मोहल्ले में कोई आया, उसने कहा भैया मोहल्ले के लोग प्रेम से रहो, आपस में भाईचारा करके रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, अब इस बात पे कौन मारेगा बताओ? क्योंकि तुमने सोचा इस बात को, तब पर भी लोगों ने मारा। भाई कोई तुम्हारे मोहल्ले में आके ये कहे कि दूसरे की संपत्ति लूट लो, दूसरों की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करो, तब तुम उसे मार रहे हो तो बात समझ में आ रहा है। जो तुम्हें अच्छी बात सिखा रहा है